हेलो दोस्तों, मैं करिश्मा, आप सभी को नमस्कार। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं नागपुरी पेपर टू के लिए व्याकरण, जो आप लोग को हर कंपटीशन में पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें, और आप लोग को क्लास करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर जो है उस नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस कराई जाती हैं, ऑल कॉम्पिटिशन का। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, आज हम लोग देख रहे हैं लिंग। लिंग से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग देखिए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए वाला प्रत्यय है, ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है इन, ऑप्शन डी है कोइने। तो देखिए दोस्तों, इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम है, तीन नियम है, एक ई जोड़ के, एक आइन जोड़ के, आइन जोड़ के तीसरा है दोस्तों इन जोड़ के। तो तीन नियम है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का। तो इसका सही जवाब होगा ये क्वेश्चन में इन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। मुडाइन, देखिए मुडाइन में कौन वर्ण कर प्रत्यय है। देखिए इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, मुडाइन, तो इसमें आइन आ रहा है, आइन जोड़ के मुडाइन बन रहा है आइन। ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है न, ऑप्शन ई है इन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आइन जोड़ के मुडाइन हो रहा है, भक्ताइन आइन। चलिए अगला क्वेश्चन। चमारकर स्त्रीलिंग रूप है, देखिए स्त्रीलिंग समझ रहे हैं ना, भगत का भक्ताइन स्त्रीलिंग हो गया, मरद का जनी। ऑप्शन बी है चमारीन, ऑप्शन सी है चमाइन, ऑप्शन डी है चमरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चमारीन, चमारीन इन, इसमें इन जोड़ा हुआ है, इसमें इन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया गया है पुल्लिंग से। अगला क्वेश्चन। कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप है, ऑप्शन ए है कुम्हारिन, ऑप्शन बी है कुम्हारिन, ऑप्शन सी है कुम्हाइन, ऑप्शन डी है कुम्हरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी कुम्हारिन होगा। कुम्हारिन अगला क्वेश्चन। ले, देखिए लेक को, लेक आगे देखिए, लेक कौन, ये जो है यहाँ न छूट गया है, कौन वर्ण कर लिंग है के। ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग, ऑप्शन डी है बिना लिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उभयलिंग है। गुंगू कौन वर्ण कर लिंग है के। ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग, ऑप्शन डी है बिना लिंग का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उभयलिंग है ये भी। काड़ा कर स्त्रीलिंग रूप कौन है के, आप लोग को बहुत पढ़ाए हैं जब पढ़ा रहे थे लिंग, तो ये सब के बारे में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, हर नियम आप लोग को बताए थे। तो आप लोग को हो सकता है इसका आंसर जवाब होगा। तो काड़ा का
भैंस, ऑप्शन ए है काड़ी, ऑप्शन बी है भैंस, ऑप्शन सी है कड़रू, ऑप्शन डी है पलिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भैंस। भरत का असली रूप कौन है? तो ऑप्शन है गाय, बरद मतलब बैल को बोला जाता है, गाय, फेटाइन, सी बाछी, ऑप्शन डी है बछरू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गाय होगा, गाय गरु बोलते हैं ना हम लोग। नागपुरी भाषा में लिंग कै वर्ण कर आए है? तो ऑप्शन ए है कितना वर्ण, मतलब कितना प्रकार है, एगो, बी है दुई, सी है तीन, डी है चाय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दो है। लिंग कितना प्रकार है, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दो ही है। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर। देखिए भक्तायन बोल रहे थे और भक्तायन शब्द आ भी गया, तो आप लोग जरूर पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भक्तायन में कौन प्रत्यय है? ताइन, आप लोग को तभी भी बताए थे, ऑप्शन ए है आइन, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है वाइन। तो इसमें भक्ताइन मतलब आइन जोड़ा गया है इसमें, आइन, ऑप्शन नंबर ए। बाघिन में कौन प्रत्यय है? बाघिन, इन, इसमें इसमें क्या जोड़ा गया है, ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन आई, ऑप्शन डी है आइन, ऑप्शन सी है वाइन, ऑप्शन डी है ई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इन जोड़ा गया है, बाघिन, घिन, इन, बाघिन, ऑप्शन नंबर ए। हेठे देवल शब्द में कौन उभयलिंग नहीं है के? ऑप्शन ए है पेपला, ऑप्शन बी है कुकुर, ऑप्शन सी है उड़ीस, ऑप्शन डी है चमार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चमार, ये उभयलिंग नहीं है, और बाकी बात तीनों पेपला, कुकुर, उड़ीस सब उभयलिंग है। देखिए राणी शब्द कर पुल्लिंग रूप कौन है के? ऑप्शन ए है राणा, ऑप्शन बी है राणी, जिसका पति मर जाता है उसको बोला जाता है राणी, मतलब कि विधवा, विधवा हो जाती, राणा, ऑप्शन बी है राण, ऑप्शन सी है राणो, ऑप्शन डी है ई सब है। तो राणी का पुल्लिंग होगा राणा। साधु कर स्त्रीलिंग रूप का होवे? साधुआइन, साधु का स्त्रीलिंग साधुआइन, जेड़सा, सारी, साढ़ोनी, सड़नी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर साढ़ो, साढ़ो हो गए हैं, साढ़ो है साधु नहीं है, साढ़ो, साढ़ो। तो देखिए साढ़ो का होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, साढ़ोनी। गंजो कर स्त्रीलिंग रूप है के? गंजुआइन, बी गंजुआइन, एक ही है ये दोनों ऑप्शन, एक ही है लेकिन अंतर है वह आम है। ऑप्शन सी है गंजोयन, ऑप्शन डी है गंजोई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गंजोयन, ये। कौन जोड़ा गलत है? आयो आबा, पुत्र बेटा, भाई भौजाई, मामा मामी। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है 16 का वो
जोड़ा गलत है। पुत्र, यहाँ पुत्र लिखा गया है तो यहाँ पुत्री होना चाहिए था, पुत्री। तो यहाँ एक ही चीज को पुत्र बेटा को ही दो बार लिखा गया है तो बी नंबर गलत है, बाकी बात सब सही है। कोड़ का स्त्रीलिंग रूप का होवी कोड़ी, ऑप्शन बी है कोढ़िया, ऑप्शन सी है कोढ़ियाइन, ऑप्शन डी है कोढ़ो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोढ़ी, कोढ़, कोढ़ मतलब कोढ़ी कमजोर। पंडित का स्त्रीलिंग रूप है के, पंडिताइन, ऑप्शन बी है पांड्यायन, ऑप्शन सी है पांड्यायन, ऑप्शन डी है पांडिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पंडिताइन, पंडिताइन भी होगा और पंडित का पंडिताइन होगा और पांड्यायन भी होगा पांड्यायन। तो इसमें ए नंबर को ही सही देना है पंडिताइन। वेद्यायन में कौन प्रत्यय है आयन, ऑप्शन है आयन, ऑप्शन बी है वायन, ऑप्शन सी है इन, ऑप्शन डी है ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आयन, वेद्यायन, आयन आ रहा है लास्ट में। महत्वायन में कौन प्रत्यय है, ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है आयन, ऑप्शन सी है आयन, ऑप्शन डी है इन। तो इसका सही जवाब महत्वायन, वाइन, महत्वायन, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा वाइन, बस इसी को जोड़ देना है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तो इसी तरह से पूछेगा, इसलिए आप लोग जरूर आप लोग एक देख लीजिएगा वीडियो। ठाकुराइन, देखिए ठाकुरवाइन में कौन प्रत्यय है, ऑप्शन ए है ई, ठोकराइन, ठाकुराइन, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है आइन, ऑप्शन डी है इन, ठाकुराइन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इन, ठाकुराइन, ठाकुराइन, राय इन, रेन हो रहा है इन, ऑप्शन नंबर बी। कुर्मीन, देखिए कुर्मीन में कौन प्रत्यय है, इन, कुर्मीन, ई, इन, आइन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इन लगाया गया है, ऑप्शन नंबर सी, 22 का सी। पटरू का स्त्रीलिंग रूप का है कि, ऑप्शन ए है पाठी, ऑप्शन बी है पठियर, ऑप्शन सी है छगरी, ऑप्शन डी है पटरुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पटरू का पठियर। नवा का स्त्रीलिंग रूप का है के, ऑप्शन ए है नवी, ऑप्शन बी है नवाइन, ऑप्शन सी है नवीन, ऑप्शन डी है नवाइन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नवाइन, नवा का नवाइन। धंगरिन कर पुलिंग रूप का होगी, ऑप्शन ए है धांगर, ऑप्शन बी है धंगरा, ऑप्शन डी है धंगरो, ऑप्शन डी है ढोंगरा। तो इसका सही जवाब होगा धांगर, धांगर, ये धंगरिन का पुलिंग है और धांगर का स्त्रीलिंग धंगरिन होता है। ननद कर पुलिंग रूप का होगी, ननद सो, नंदारो, बहनोई, डी है भैया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नंदसो। टेटंगा कौन वर्ण कर लिंग है के,
ऑप्शन ए है उभयलिंग। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसलिए ज़रूर एक बार अच्छा से वीडियो को देखें और पढ़ें। ऑप्शन बी है पुलिंग, ऑप्शन सी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है बिना लिंग का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उभयलिंग है टेटेंगा। हेठे देवल में कौन उभयलिंग है के? दिया, गोजर, सी है लंबा, डी है देवल सभे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी उभयलिंग है, जितना भी ये जीव जंतु आते हैं वो सभी कोई उभयलिंग है। आप लोग के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमेशा मेरा वीडियो में बने रहिएगा। उसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि नए नए वीडियो डालते रहेंगे वो आप सभी तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। ज्योति कौन वर्ण कर लिंग है के? ऑप्शन ए है उभयलिंग, ऑप्शन बी है पुल्लिंग, ऑप्शन सी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी है बिना लिंग का। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि जीव ये जंतु ये सब आएगा उभयलिंग में। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप लोग को क्लास करना होगा तो नीचे दिए गए नंबर है, उस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, अगला वीडियो के लिए फिर से आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।